अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU Entertainment पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और आज हम अहमदाबाद में, तो रईस भाई क्या लोकेशन है वो बता दो। अहमदाबाद के अंदर रॉयल मून की गोड फार्म है ये, सोहेल भाई का अल्हम्दुलिल्लाह रामोल के अंदर लोकेटेड है ये। अच्छा, ये एक्सप्रेस हाईवे जो सिटी में बोलते हैं वहाँ से करीबन एकदम नजीक है, रिंग रोड से भी नजीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, तो रॉयल मुक्की गोड फार्म पे हम हाँ। और माशाल्लाह फर्स्ट टाइम वीडियो बनने वाला है आपका ILU Entertainment पर, तो स्टार्ट करते हैं। क्या डिटेल रही, मतलब फार्म कब से आपने इस्टेब्लिश हुआ, ये कुछ आपका डिटेल है, शौक कब से था? पहले मेरा नाम अलहाज सैयद सोहेल मुखी है। अच्छा, एक्चुअली मैं अक्सर कई लोग सोहेब भाई करते हैं, लेकिन मेरा नाम सोहेल भाई मुखी है, ठीक है। अच्छा। रॉयल मुखी गोड फार्म मेरे फार्म का नाम है, ठीक है। और 2008 से जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। ऐसे तो शौक बाप दादा का पीढ़ियों से है, ये तो जितने भी पुराने हैं यहाँ पे सबको पता है, रईस भाई को भी पता है, पीढ़ियों से शौक चल रहा है। लेकिन 2008 से प्रॉपर मैंने स्टार्ट किया था। अभी आप गिन लो कितने साल हो गए मेरे को। सही है, माशाल्लाह। तो ये था शौक। तो अपना फार्म मतलब क्या काम करते हैं अपन? अपने ब्रीडिंग सेटअप पे काम करते हैं। ब्रीडिंग सेटअप, हाँ। उनके बच्चे सेल करते हो? एक्चुअल में अपना प्रॉपर बिजनेस नहीं है ये, यस। शौक से अपने ये रन करते हैं। तो कहीं पहले आके दूसरों की वीडियो में लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी फीमेल्स थी। अभी मैंने बहुत लिमिटेड एडिशन में काम करना स्टार्ट किया है, अभी सिर्फ 11 फीमेल है, उसके ऊपर ब्रीडिंग सेटअप चलता है मेरा। उसके अंदर अभी एक ओनली फॉर एक, यानी एक ही प्योर हैदराबादी है, बाकी सब हाई पेड है मेरे पास। ओके जी, तो अपना मतलब ब्रीडिंग का मेन कॉन्सेप्ट है, हाँ। उसके बच्चे सेल करते हैं? कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गए देने तो वो सेल कर देते अपने। ओके जी, और पलाई लेते हो आप? हाँ, पलाई पे भी लेते हैं अपने। अभी भी लोगे? हाँ, पलाई पे अपना चालू ही अभी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वहाँ पे 8-10 जानवर है। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ क्या है, अपने यहाँ ब्रीडिंग फ्री है तो okay. सब ब्रीडिंग के लिए ओके, फीमेल ज़्यादातर लोग रखते हैं मेरे वहाँ पर। खस्सी बकरे भी है बराबर, अंडो बकरे भी अपने पलाई पे लेंगे, और किसी को दुम्बा रखना हो तो भी पलाई पे रख सकते हैं, किसी भी तरह का मेंढा और कुछ भी रखना है तो अपने पलाई पे ले लेंगे। तो अपने चार्जेस क्या हैंगे? पलाई के चार्जेस में ऐसा है कि अपना फीमेल का है, देखो अभी आप हैदराबादी किसी के भी वहाँ क्रॉस कराने जाते हैं ना अभी नॉर्मली, तो 8-10 हज़ार रुपया उसका ब्रीडिंग का चार्ज लगता है। तो अपने वहाँ 6,500 रुपये, ठीक है, 6,500 रुपये के अंदर अपने वहाँ इनको एक महीने का चार्जेस रहेगा, ब्रीडिंग फ्री रहेगी, ठीक है, और उनको कंपलसरी 2 महीना रखने पड़ेगी। ओके, तो 6,500 रुपये अपना फीमेल का चार्ज का था। और अगर कोई दुम्बा रखता है, ठीक है, अगर दुम्बे का भी ब्रीडिंग किसी को कराने तो अपना दुम्बा फ्री है, फ्री में ब्रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, उसका भी 6,500 रुपया है एक महीने का, और उसको भी 2 महीना कंपलसरी रखना पड़ेगा। ओके, खस्सी बकरे का अपने वहाँ 4,500 रुपया है, 4,500 रुपया है। बहुत अच्छा, और अंडो बकरे का अपने वहाँ 5,500 रहेगा। 5,500, तो रॉयल ट्रीटमेंट मिलने वाला है बकरों को शायद, माशाल्लाह। मैंने देखा अच्छा सेटअप है, और लोगों को मालूम है कि ये सेटअप अहमदाबाद में लोग जानते हैं आपको, तो लोग जुड़े हैं माशाल्लाह आपसे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते, लोगों को बताएंगे क्या क्वालिटी का माल अभी रॉयल मुक्की गोड फार्म पे अवेलेबल है। जी जी। स्टार्ट करते हैं भाई, क्या डिटेल है भाई? सबसे पहली चीज ये क्लियर कर दूं वीडियो के अंदर कि जितना भी माल दिखा रहा हूँ नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल, ये सब अपने शो क्वालिटी का माल है सिर्फ, और ये मेरी ये समझो कि सब बहुत चॉइस करी हुई चीज है। सही है, सही है। 2013 के अंदर फर्स्ट टाइम सोहेब भाई लोखंडवाला, माशाल्लाह लोखंडवाला गोड फार्म जो है, हाँ हाँ। उनके वहाँ से ये बच्चा खरीदा हुआ था, सिर्फ 20 दिन का बच्चा खरीदा हुआ था ये मैंने, आप जाके पूछ सकते हो सोहेब भाई लोखंडवाला से। 2013 से मेरे वहीं पे है,
माशाल्लाह क्या फ्रेम है। ये उनका जो पुराना ब्रीडर था हीरो, ये अच्छा। हीरो की बेटी है, ये हीरो की बेटी है, हीरो की बेटी है। इसकी माँ बिल्कुल सेम हूबहू इस टाइप की थी, ठीक है। उनके पास फीमेल्स ज्यादा थी, इसकी वजह से इसकी माँ का नाम नहीं रखा हुआ था इन्होंने, लेकिन इसका नाम हमारे झमझम है। और झमझम ने जब जब भी बच्चा दिया है ब्रीडिंग क्वालिटी का ही दिया है माशाल्लाह। और तो अभी प्रेग्नेंट है ये, अच्छा ऐसे 3 महीना मेरा जो औरंगजेब, अरे आलमगीर, आलमगीर आलमगीर मेरा जो ब्रीडर है 20 कान का, उससे भी ये गाभिन है। बहुत अच्छा, 8 दांत पूरे ना इसके, पूरे दांत, पूरे दांत। ये 2013 का बॉर्न है इसका, 2013 का बॉर्न है भाई। हाँ, 2013 तो 10 साल की बकरी है। 2013 के फरवरी के कुछ 12 या 13 तारीख समथिंग में इसका बॉर्न है, और 20 दिन का बच्चा मैं इसको लेके आया था। माशाल्लाह, दांत तोड़ दी रही है इसे? नहीं, पूरे दांत नहीं तोड़े होंगे, अभी है दांत इसके, देखो। सही बात है, देखो माशाल्लाह क्या चीज है। लेकिन ये नॉट फॉर सेल है भाई, बहुत प्यारी चीज है। ये बकरी का इतिहास है इलियास भाई, इसको मैंने 3 मरतबा बेचा, तीनों बार गए, किसी के भी वहाँ पर घाबन नहीं हुई है ये। अच्छा। और तीनों बार बिक के वापस मेरे वहीं आई है, और तीनों बार मेरे वहाँ उसने वापस बच्चे दिए, यानी ये पहले वेतर से 2-2 बच्चे देती है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉप क्वालिटी की फीमेल 2-2 बच्चे दे रही है, लेकिन वो जो है रॉयल मुखी गोट फार्म पे ही दे रही है। तो सोहेल भाई क्या दिखा रहे हो? ये भाई, ये मेरे घर की, ये भी बहुत पुरानी है, ये जब मेरा पुराना ब्रीडर था आज से 2011 के अंदर, सुल्तान, ये सुल्तान ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, यानी 2011 से इसकी ब्लड लाइन चली आई है, और अभी तक इसकी ब्लड लाइन है मेरे पास। इसने बहुत से बच्चे दिए, लेकिन मैंने इसके बच्चे सेल नहीं किए आज दिन तक, ठीक है। मेल सेल किए, फीमेल तो मैंने इसकी सारी रखी हुई है, और कुछ फीमेल भी सेल की, ऐसा नहीं है नहीं की है। अच्छा। हाँ, ये आप इसका खुद देखो, साइज बना देखो, माशाल्लाह क्या साइज है। ऐसी साइज की फीमेल बहुत रेयर देखने मिलेगी आप लोगों को भाई, फुल एकदम बुलडोजर साइज के अंदर फीमेल है। लंबे कान, खुले कान, वाइड आंख, नर मॉडल, राउंड फेस, नर मॉडल, माशाल्लाह। तो भाई ये बच्चे कैसे दे रहे, टॉप क्वालिटी के बच्चे दे रही है, इतने बड़े फ्रेम से। हाँ। जब कोई चीज निकलती है भाई इतने बड़े साइज से, तो चीज देखने लायक है। ये मैं नहीं बोलूंगा अभी, इलियास भाई इंशाल्लाह अपने क्वालिटी बताएंगे और पब्लिक बोलेगी। सही। अभी इसके बाद में मैं इसी की फीमेल बता रहा हूँ आपको, इसी अच्छा। की बच्ची है, बहुत है? जो मैंने हैदराबादी से इसको क्रॉस की थी, ठीक है, ये है हाईब्रिड के अंदर, और मैंने इसको हैदराबादी से क्रॉस की थी, और उसकी बच्ची आई है ये हाईब्रिड और हैदराबादी के क्रॉसिंग में। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको इसकी बच्ची इसके बाद में दिखा रहा हूँ। छोड़ दो भाई इसको जरा, आप क्या चीज़ है, देख सकते हैं आप फुल लेंथ की, ऐसी क्वालिटी में काम करेंगे मैं तो इंशाल्लाह भाई मज़ा आ जाएगा। चीज़ें आपके सामने है भाई, हमारा काम है आपको प्रेजेंट करना। थन देखो बड़े फ्रेम की, ये देखो आई, ये उसी की बच्ची है माशाल्लाह। देखो इसको सिर्फ यहाँ पे कलर है, और यहाँ पर भी दिल बन रहा है, आप देखो पीछे से दिल बन रहा है इसको, दिल बन रहा है, सही बात है, ठीक है। और इधर कलर है थोड़ा सा, बाकी बिल्कुल पूरी वाइट गुलाबी, नर मॉडल, राउंड फेस, ठीक है। माँ करते भी लंबे कान हो गए इसके, सही है, माँ से लंबे कान, खुले कान, ठीक है, मार्बल सिंह के अंदर आ गई। और फ्रेम देखो, ये अभी सिर्फ है ना, तो कम से कम 7 से 8 महीने की है। ओहो, इसकी माँ को चढ़ जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बहुत प्यारी चीज है भाई, इसको बोलते हैं ब्लड लाइन भाई, इसको बोलते हैं क्वालिटी, जो आपको रॉयल मुखी गोट फार्म पे देखने मिल रही है भाई। इसकी पाल पेशी देखो आप, एकदम स्मूथ है, कुदरती इसके अंदर शाइनिंग है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारी चीज़ है भाई, ऐसी चीज़ का शौक करो भाई मज़ा आ जाए। बहुत अच्छा। और कुछ भाई? छोड़ दो उसको, एक और ये देखो, बहुत ये देखो, पूरी ब्लड लाइन है मेरे पास, क्या चीज़ है भाई, मज़ा आ गया। बेनजीर, हाँ ये है बेनजीर, इसका नाम बेनजीर है, ये 2 दांत की मेल आया था, ठीक है। ये समझो ना, ये सब मेरी जो पुरानी ब्लड लाइन बाहर जो बेची हुई थी ना, वही मैं घूम के फिर के वापस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने 2018 के अंदर पूरा फार्म खाली कर दिया था मेरा। अच्छा। उसके बाद मैंने लिमिटेड एडिशन में शौक करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर 2019 में फिर खाली कर दिया मैंने, और फिर 19 के एंड में और 20 के स्टार्टिंग में मैंने सब सेटअप स्टार्ट किया वापस। तो ये सब सिलेक्टेड मेरी फीमेल है घर की, जहाँ जहाँ मैंने बेची हुई थी, जहाँ जहाँ बच्चियाँ दी हुई थी, ये वो है सब। माशाल्लाह आप इसका भी देखो, लेंथ देखो,
साइज बना देखो, कान देखो, मॉडल देखो, इसकी गले की पट्टी देखो आप, फीमेल की देखो ना आप, सीने से लेके नीचे तक जा रही है जैसे बकरों में रहती है। बहुत प्यारी क्वालिटी है भाई, जो आपको पसंद है तो आपने रिवर्स मतलब वापस लेके आए तो वो समझने वाली बात है भाई। क्या शौक, क्या बड़ी शौक, बड़ी चीज है भाई, क्या शौक है माशाल्लाह इसके। टॉप क्वालिटी, टॉप क्वालिटी की फीमेल भाई। और अभी इसके बाद में इसी की मैं फीमेल दिखाने जा रहा हूँ आपको। अच्छा हाँ, बहुत इसको भी चढ़ गई है। क्या बात है भाई, ये आपके पीछे है देखिए आप, ये आपके सामने, ये इसकी इसी की बेटी है ये। ओहो, ये अभी फर्स्ट टाइम बच्चा देगी इंशाल्लाह। क्या क्वालिटी है भाई, ये अभी गाबन है अपने आलमगीर से, आलमगीर से गाबन। सिर्फ इसको नाक पे अभी एक काला स्पॉट है, बाकी कहीं नहीं है, स्पॉटलेस के अंदर है ये। एक लाखा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे गुजरात में। अच्छा हाँ, इसको हमारा गुजरात में लाखा बोलते हैं। बाकी देखो ना फ्रेम वगैरह में उसकी मासे भी बढ़ गई है। माशाल्लाह भाई, कोई कमी नहीं, फुल एक्टिव, फुल मज़ेदार भाई। ये है सेटअप रॉयल मुखी गोट फार्म का, लाजवाब। क्या बोल रहे भाई, मेरे फार्म की अभी एक और है फीमेल। अच्छा, जो बचपन में उसी का नाम, मेरा एक सरताज था बच्चा, ठीक है, जो अभी पिछले साल यूँ समझा ना कि बकरा ये रमजान ईद के दो चार दिन पहले ऑफ हो गया, वो अल्लाह की बारगाह में चला गया। उसके लिए मैं स्पेशल लेके आया था एक बेगम करके फीमेल। अच्छा, उससे मैंने ब्रीड कराई थी, सेम हूबहू बाप के कॉपी बच्चा आया था, लेकिन उस टाइम बहुत बच्चों का और बहुत बड़े बकरों का मेरा नुकसान हुआ था, तो वो भी चला गया खुदा ना खास्ता। लेकिन अभी ये फीमेल में से मेरे को जो बच्चा मिला है ना, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, जितना एहसान मैं अदा करूँ इतना कम है। मैं आपको दिखाता हूँ वो मेरी। बहुत अच्छा, तो ये है भाई शौक, अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक क्वालिटी आपको देखने मिल रही है। तो ये है बेगम, अब देखो इसके अंदर भी नर मॉडल है, राउंड फेस नर मॉडल, गले की पट्टी देखो आप, इसमें भी यहाँ से लेके नीचे सीने तक मिलेगी, बहुत प्यारी चीज़, ठीक है। इसके भी कान देखो, इतने बड़े कान नहीं है इसके, इसके बहुत अपने हद मारेंगे ना तो 10 के कान है, सही है, ठीक है। और साइज बने में भी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, जो बच्चा प्रेजेंट करती है ये, हाँ हाँ, ठीक है, उसके ऊपर इसको रखी हुई है मैंने, बहुत, क्योंकि इसकी ब्लड लाइन मैंने देखी हुई थी उसके हिसाब से, बहुत ही, तो ब्लड लाइन के हिसाब से बच्चे देती है भाई ये। हाँ, चीज देखो ना भाई, बहुत प्यारा। तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं। हाँ, इसका रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ। बहुत अच्छा, लेकिन भाई सबसे गुजारिश है, इसका रिजल्ट देखने के बाद कोई फोन मैसेज ना करे, नॉट फॉर सेल है वो, मेरे घर के लिए रखा है मैंने, सही है सही है, ठीक है। और काफी नुकसान सहने के बाद अल्लाह ने मुझे उसमें कुछ दिया है। बहुत अच्छा, इसके इसका रिजल्ट मैं दिखा देता आपको। चलिए चलिए, तो ये है इसका रिजल्ट जी। ओहो, ये बेगम का बेटा है और इसका बाप है आलमगीर, जो हम अपने आगे वीडियो में बताएंगे सबको, जो अपना होम ब्रीड है, होम ब्रीडर। हाँ, होम ब्रीडर है जो, सही है। तो ये कितने दिन का बच्चा भाई? ये सवा दो से ढाई महीने का बच्चा है। क्या चीज है, ये आपके सामने क्वालिटी है देख लो आप, ये 14.25 से 14 के कान है, बहुत अच्छा, ठीक है। और ये तकरीबन 6.5 की चकलान है, माशाल्लाह, नापी हुई है, लेकिन फिर भी नॉट फॉर सेल है ये, तो कोई भी भाई इसके लिए कांटेक्ट ना करे, ठीक है। इसको सिर्फ हल्का सा नाक पर ये ब्लैक कलर का यहाँ स्पॉट है, सही, ठीक है। और हैदराबादी वाली एक और खूबी है इसके अंदर, इधर एक है, सही। तो टॉप क्वालिटी है भाई, चीज देखो ना क्या है, लाजवाब। मार्बल सिंह के अंदर है ये बच्चा, बिल्कुल राउंड फेस के अंदर है, पंच फेस के अंदर है, अभी इतना पंच नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े होने के बाद दिखेगा पंच, ये अभी नहीं दिख रहा है इसके अंदर, सही। तो चीजें भाई एक से एक क्वालिटी आपको रॉयल मुखी गोट फार्म पे देखने को मिल रही है। आप इसका कान देखो, और जड़ से खुले कान है, ठीक है, कोई कान को अपनों ने ऐसा है नहीं कि भाई वो करके रखा है, बहुत चिपका के कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल जड़ से खुले कान है, कहीं आटी नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा। ये लगता आपको बहुत प्यारी चीज लगती है, मतलब दिल को लगा के काम कर रहे हो भाई। सोहेल भाई क्या ब्रीडिंग सेटअप है, माशाल्लाह लाजवाब क्वालिटी में काम हो रहा है, देख सकते हैं आपको, रिजल्ट देखो, क्वालिटी देखो। अभी के बाद में एक और रिजल्ट दिखाता हूँ, जो हमारे आलमगीर का ही है, ठीक है, वो मेल बच्चा आया हुआ है मेरे वहाँ पर। अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसकी माँ बिल्कुल व्हाइट में है, ठीक है, इसकी माँ भी जैसी बिल्कुल व्हाइट में थी, लेकिन कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं किसी को बाप की या दादा की या दादी की थोड़ी बहुत परछाई रह जाती है। हाँ हाँ। उस हिसाब से मैं दिखा देता हूँ वो बच्चा भी, लेकिन वो बच्चा देखने के बाद पता चलेगा क्या है, सही है। सोहेल भाई ये है वो,
हाँ, ये आलमगीर का ही बच्चा है, ठीक है। अब देखो इसका पंच, देखो अभी से मैं पकड़ के नहीं दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आप देखिए कान देखो, ये बच्चा भी सवा दो महीने का है अभी सिर्फ, ठीक है, सवा दो महीने का बच्चा है। कान देखो, जड़ से खुले कान, पान कान, ठीक है। इसकी सात की चकलान है, माशाल्लाह, ठीक है। और इसके भी है ना भाई, तो अपने सवा तेरह से साढ़े तेरह के कान है अभी, सवा दो महीने का बच्चा ही है, आपके सामने क्वालिटी है, लाजवाब बच्चा, नॉट फॉर सेल है। जबान कैसे निकालते हो? ये इसका बाप भी ऐसे ही रखता है, ठीक है, हाँ। और इसका शायद तक दादा भी रखता होगा। सही है माशाल्लाह, उस हिसाब से क्या चीज है भाई, क्या बनेगा, मेहनत करो भाई, ऐसी चीज ब्रीडिंग सेटअप डालो, लाजवाब टॉप क्वालिटी का बच्चा, बहुत प्यारी चीज है। ये देखो औरंगजेब, क्या नाम रखे भाई इसका? इसका नाम औरंगजेब है, औरंगजेब। हाँ, और वो जो बच्चा आपने देखे ना पूरा व्हाइट वाला, हाँ। जो सवा चौदह साढ़े चौदह से सवा चौदह के कान है, हाँ। उसका नाम अपनों ने शान रखा है, शान, बहुत अच्छा, उसका नाम शान है, उसके शान के हिसाब से उसका नाम शान रखा हुआ है। और ये बाप का नाम आलमगीर है, हाँ। तो आलमगीर औरंगजेब का था, ठीक है, हाँ। तो ये मैंने उसको दादा का नाम दे दिया। सही है, तो लाजवाब क्वालिटी कलेक्शन है भाई, तो माशाल्लाह एक से कलेक्शन दिखाया आपने भाई, रॉयल मुकी गोट फॉर्म का ब्रीडिंग सेटअप था जी। अब इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो में ब्रीडर बताएंगे और भी कुछ जो है रिजल्ट्स है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो और कुछ कहना है लोगों को? बस अपना तो यही कहना है कि कम रखो फीमेल्स, लेकिन अच्छी रखो, क्वालिटी में रखो, तो क्या है आपको भी कल उठ के आपको भी खुद को मजा आएगा, अंदर से कुछ नया प्रेजेंट होगा, ठीक है। आज मैं भी ये स्थान पे पहुंचा हूं तो आप लोगों की वजह से, मेरी मेहनत से और अल्लाह ताला के एहसान से, ठीक है। तो क्या है, आप मेहनत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और आप मेहनत करते रहो, ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले उसकी रिसर्च करो आप, सही, रिसर्च करो, परखो, देखो उसको, आप पहले टटोलो, उसके बाद कोई भी चीज़ को आप खरीद ही करो, तभी जाके आपको भी क्या है नुकसान नहीं होगा और आप नुकसान से बच पाओगे। आजकल तो क्या है, डिजिटल इंडिया है, सही, आप यूट्यूब पे जाओ बोलो तुरंत आ जाएगा, गूगल पे जाओ बोलो तुरंत आ जाएगा, तो पहले एक बार आप सर्च करो, देखो, रिसर्च करो, ठीक है। कोई भी किसी भी ब्रीड के अंदर आप काम करो, लेकिन प्रॉपर ब्रीड में काम करो, तो आपको भी मजा आएगी उसके अंदर। बहुत अच्छा, जज़ाकअल्लाह भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के दुआओं में याद रखिए भाई, जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे। तो चलिए दुआ में याद रखिए भाई, चलिए अल्लाह हाफिज़, चलिए भाई अल्लाह हाफिज़।